नमस्कार, फिलहाल पहुंचे हैं हम पर्वतिया कॉलोनी और आपको बता दें गली नंबर 2 अग्रवाल स्कूल के सामने की ये गली है और ये महिला जो है लगातार यहाँ पर गेट बजाती हुई नजर आ रही है। जो चंद्रशेखर वर्मा का बेटा है इसने ही यहाँ मेरे को यहाँ से पहले नाम बताया। मेरा नाम सुनीता शर्मा है। सुनीता जी क्यों यहाँ आके हंगामा? यहाँ पे मैंने इसलिए आई हूँ, इसने अपने लड़के को छिपा के रखा है यहाँ पे, पंचायती बैठा को सब कुछ करके यहाँ से लेके गया था। ठीक है, यहाँ से लगता है वो लड़का, लड़का मेरा आदमी है, मेरे से शादी कर रखा था, मेरे से प्यार करके यहाँ से लेके गया था और मेरा गाड़ी भी बेचवा दिया, मेरा आदमी से भी डिवोर्स दिलवा दिया, सब कुछ करवा दिया उसने। जी अब आपको क्या लगता है इन्होंने रखा कितने समय से वो आपके? इसने 15 दिन से छिपा रखा है बेटा का। मैंने यहाँ पे आए बुलाने के लिए, ढूंढने के लिए और इसने अपने घर में छिपा। आप क्या करती है? मैं बीके में काम करती हूँ। अच्छा, आप बीके में काम करते हैं। देखिए मैं बता दूं, आज हर जगह पूरे फरीदाबाद में सेवा ही स्वच्छता के नाम से जो है मुख्यमंत्री जी एक मुहिम चला रहे हैं और वहीं पर एक कहानी एक ऐसी प्रधानमंत्री जी ने भी मुहिम उठाई थी उसको लेकर के, आप देखें हरियाणा के सीएम ने उसको आगे बढ़ाया। और साथ ही मैं आपको बता दूं एक सफाई कर्मी हमारे साथ है, उनकी ये दर्द भरी कहानी पूरी जानेंगे। शुरू से जानेंगे हम आपके बारे में। शुरू से ये है कि उस लड़का ने मेरे से प्यार मोहब्बत किया। लड़के का नाम बता। लड़के का नाम राहुल है जी। उसका पिताजी का नाम है वो। आपको कब मिले वो? आपको वो मिला था जुलाई से, मेरे घर ही रहता था लड़का जी। मेरे से बोल के गया कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ और अपनी माँ बाप के पास आ गया। उसके मम्मी पापा ने छिपा के रखा है। अच्छा। उसके मम्मी पापा ने छिपा के रखा है। हाँ, मैंने पहले आए थे संडे वाले दिन यहाँ गेट ढकढकाए, गेट बजाए और इन लोग अप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने हार ही आगा जब मीडिया वाले के पास गई हूँ, उसके बाद मैं आगे कदम बढ़ाई हूँ कि मेरे को लड़का से एक बार मिलना है लड़का से बस। क्या कह रहे हैं माता पिता? क्या कह रहे हैं? माता पिता कह रहे हैं कि तेरे पास ही था, लेकिन हमें 100% विश्वास है इसकी माँ बाप ने छिपा के रखा है लड़का को। तो अब आपको लग रहा है अंदर पुलिस को बुलाया है? हाँ, आ रही है पुलिस। आ रहे हैं पुलिस। 112 पर भी इन्होंने कॉल किया है और जब तक आप देखें तमाम लोगों को ये जी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग भी बाहर आके अंकल बताना चाहेंगे कुछ? ये सर, कुछ सर वहाँ पे चले, वहीं पे बात होगी। जी जी, यही यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, कहाँ कहाँ चले? यही कहाँ ले जा रहे हैं? पास में है ना? कहाँ? प्रधान के पास। पुलिस आ रही है अभी, फिर चलेंगे। पुलिस आ रही है अभी। अभी जब तक आप तो बताएंगे कुछ बता रही है। बताएंगे ना हम वहीं। अच्छा, वही बताएंगे। आप बुला ले, उनको बुला लीजिए। अरे आप उनको बुला लीजिए ना जी। क्या देखिए तमाम लोग क्या किसके पास ले जा रहे हैं? ये प्रधान के पास पंचायती बैठाया था। इसका लड़का यहाँ से भाग के चले गया था। और प्रधान के पास पंचायती बैठाया था। पंचायती में से अगर जब इन लोगों को इतना ही सख्त था, पंचायती में से उठा कर अपने बेटा को ले आते। मेरे साथ क्यों जाने के लिए दिया था? मेरे साथ नहीं जाने के लिए देता उसी टाइम बेटा को? मेरा जिंदगी क्यों बर्बाद किया? मेरा आदमी से डिवोर्स क्यों दिलवाया? मेरा इतना बड़ा कांडा में क्यों फंसा के रखा था? सब चीज कदम करवा दिया इस लड़के ने मेरे को। कब से रह रहा है आपके साथ? मेरे साथ जुलाई से रह रहा है लड़का। मेरे साथ जुलाई से रह रहा है। 15 दिन हो गया इसका माँ बाप ने छिपा के रखा है। 15 दिन से छिपा के रखा है माँ बाप। ना मैं तो अपने आदमी का हूँ, ना तो मैं अपने सास ससुर का हूँ, ना तो मैं समाज में की हूँ। आज इसने अपने लड़का को छिपा रखा है। मेरा कार्रवाई यही किया हुआ है। इतने में भलाई है ये अपना बेटा को आमने सामने खड़े करवा दे। क्या आपको लगता है अंदर है वो? हाँ, उसने छिपा के रखा। आइए देखते हैं अब उसकी माता जी का क्या कहना है, ये देखते हैं। जी जी, कि आप यहाँ पे आओ, मेरा मम्मी पापा शादी करवा रहा है। मैं उस दिन आई, इसकी मम्मी ने ऊपर छत पर से भगा दिया लड़का को। लड़का ने मेरे को वहाँ पे मिला एटीएम के पास से मेरे साथ गया लड़का। लड़का को इसने छिपा रखा है, कहीं ना कहीं इसी ने छिपा रखा है लड़का को। अच्छा आंटी जी क्या कहेंगी? आंटी जी क्या कहेंगी? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? हमारा ये ले गया है लड़का, ये ले गई है। हाँ, कितने दिन से गायब है वो? एक महीने से। एक महीने से जुलाई से लड़का है मेरे पास। अरे इससे तो बोलना भी बेकार है। जुलाई से लड़का मेरे पास ही है इसका। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, किरायेदार है ये। अच्छा, किरायेदार। तो इनका कहना है कि आपने इनके अरे जहाँ में हुआ है पंचायत वहाँ जाकर पूछो, हमसे कुछ मत बोलो। ये ले गई, ये ला कर दे हमारा लड़का। आपने कम्प्लेंट करी आपका बेटा मिसप्लेस है? हाँ, हम कम्प्लेंट किए हैं। कहाँ पे? पुलिस चौकी में जाकर। पुलिस चौकी में? ढूंढा नहीं पुलिस वालों ने? अब ढूंढा नहीं, ढूंढा
आप देखें फिलहाल जो है यहाँ पर माहौल जो है गर्म होता हुआ नजर आया है। 112 पर कॉल कर दिया गया है महिला द्वारा। 112 आ रही है? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बोले मैं अभी आ रही हूँ, क्या मैं यही चाहती हूँ, मैं यही हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे को राहुल को चाहिए, आमने सामने राहुल को खड़ा करवाए। बस इसे छिपा रखा है, बस नहीं तो मैं अपनी बच्चे को अपने खुद का इसके दरवाजे पे जहर खा के मौत कर लूंगी, बहुत वाली मौत कर लूंगी। ये बच्चे आपके हैं? हाँ, ये बच्चे मेरे हैं। यू राहुल के जन्मे हुए बच्चे हैं ये दोनों। ये बच्चे ये कह रही है कि जन्मे हुए बच्चे हैं, राहुल को छिपा के रखे हैं। बस हाँ मैं भी जन्मे हूँ तुम्हारे, तुम्हारा ही जन्मे हुए हूँ मैं। हाँ मैं भी हूँ तुम्हारे जन्मे हुए। बस बहू तो तुम्हारा ही हूँ बेटा। जब ना पूछ रही थी, जब ना देख रही थी वहाँ पे, माना ना दीजिए गाली, गाली मत, पंचायत में देख रही थी, पूरा फरीदाबाद आपको देख रहा है, गाली मत दीजिए फिलहाल। पंचायत में ना देख रही थी, जब पंचायत किए तो वहाँ से बेटा को खींच लेती है पंचायत में से। पंचायत में क्या बोला था प्रधान के आगे? प्रधान के आगे क्या बोला था? वो भी तो है। प्रधान के आगे क्या बोले थे? प्रधान के आगे तो तुमने क्या बोला? प्रधान के आगे क्या बोला था तुम्हारे बेटा ने? कि मेरे पैदाश मेरा बेटा है। मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ? मैं घर पे रहूंगी ना। तूने बेटा छुपा रखा है, तूने रखी है, तू निकाल के दे बेटा मेरे को, तू ले ले, तू निकाल के दे मेरा बेटा ना, तो ये घर पे ही लहास गिरे, तेरे दरवाजे पे लहास ना गिरे तो मेरा नाम ना फिर के मर। हाँ बिल्कुल ही मरेंगे, बिल्कुल ही मरेंगे, तुम मर गए, बिल्कुल ही मरेंगे, मरेंगे। तू बेटा निकाल के दे, अरे तू बेटा ना, तू फेंक देगी कि मैं फेंक दूँ? फेंक देगी मेरा ना, कुआं तो मेरा निकलवा के दे, तू मेरे बेटा ना, तू फेंक ना, निकलवा के दे। फिर मैं एक बात कहूँ लाज ने, मैं निकलवा के दिखवाऊंगी तेरे बेटा, तो देख ली। हाँ कोई बात नहीं है, दुनिया का घर बर्बाद करने के लिए जानता है बेटा। आज मीना, कल ज्योति का, कल और लड़की का, हमारा लड़की का बेटा लंड बहुत बड़ा है क्या? हाँ बस निकाल के लाओ बेटा, लंड बड़ा निकाल के लाओ। मैं भी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं भी, जब हमारा लड़की छोड़ूंगी। दस को लड़का बुला, 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 दस को लड़का बुला, जिस तरीके से तूने मुझे उस तरीके से बोला, गाली मेरे को मत देना, जबान खींच लूंगी, तुम्हारा जो खींच लूंगी जबान, तेरा होता है तो तू खींच के दिखा। अच्छा तू खींच के दिखा, अरे जबान खींच लूंगी। ये जो है ना, ये जन्मा के दिखा है, जन्मा का है ना, खींच मारी नहीं, लड़ी है नहीं, लड़ी है नहीं, खींच लूंगी घर का। अभी मैं तो मेरे बेटा के यहाँ हाजिर कर दूँ, यहाँ से लेकर बिहार तक ना खिंचवाया तो भरा मेरा नाम ना सुनी, इसको जो जन्मा के लिए बुला बेटा, बुला बेटा, बुला बेटा का बुला, तू कर मरवाई है, तू उसी तूने कभी दी बेटा, छत पर से भगा दिया। हाँ तो छत पर क्या भगाई, विदेश भगा दिए, जहाँ भगा दिए, तू लाएगी बेटा, तू ही लाएगी बेटा, तू ही लाएगी बेटा। पता है कुछ लड़के के बारे में? नहीं, नहीं पता। अच्छा पहले कभी पंचायत हुई थी ये पता है? नहीं बोले पहले कभी, घर से भी ना निकलता कभी। तो ये लड़की के साथ कैसे रहते हैं? सीधा साधा लड़का है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैडम गलत बोल रही है, ये हम पूरी गली वाले जानते हैं कि बिल्कुल ठीक। लड़का क्यों रह रहे थे? उनको ब्लैक मिल गई है यार। इसके पास से भागा, पता है पूरा मामला, इसके पास से भागा, उसने उसको ना कहा, उसके बैंक से लोन दिलवा के उसको भगा दिया। अब भर लोन दिलवाई, लोन दिलवा के भाग गया। क्या किया है ये बता देगा, तेरे भाई बता देगा ना, भाई बता देगा, भाई बता देगा, पहले भाई का तूने छिपा के रखा है, छिपा के रखा है, छिपा के रखा है तूने, छिपा के रखा है। गर्मा गर्मी जो है फिलहाल इस वक्त बढ़ चुकी है, और देखिए महिला और दोनों पक्षों में आपस में आरोप प्रत्यारोप का मामला जो है फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ इसका बेटा रहता था वहाँ आरोप पड़ोस का लोग बता देंगे, वहाँ के लेबर मिस्त्री बता देंगे, वहाँ का डीलर बता देंगे, वहाँ के एक एक बच्चे बच्चे बता देंगे। इसकी साथ रहता था लड़का, वहाँ से बोल के आया कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ, वहाँ से बोल के आया कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ, निमराना माँ बाप के पास आके माँ बाप छिपा के रख लिया लड़का को। जब तुमको पता, मैंने बोलने के लिए आई है, ढूंढने के लिए आई है, बोले पास नहीं है लड़का, मेरे पास लड़का नहीं है, जगह जगह दुनिया की जिंदगी बर्बाद करता, अपने बेटा को छिपा के रख दिया है। पुलिस आ रही है? आ रही है, अभी 112 पर मैंने कॉल कर दिया। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ यही, एक बार वो अपनी लड़का का खड़ा कर दो आमने सामने, मैं उसके लड़का से पूछ लूँ, उसकी लड़का हाथ है, फोटो है कोई लड़के की? दिखाइए लड़का का फोटो है, फोटो क्यों नहीं है?
ये क्या है फोटो? लड़का का फोटो नहीं है, फोटो है लड़का का। चलो दिखा दें हम आपको। फिलहाल देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से चलता हुआ आ रहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जी लड़का का फोटो है ना, देखो ये है लड़का का फोटो, हाँ मेरे साथ। देखिए फरीदाबाद दिखा दें हम आपको, ये देखें आप फिलहाल, देखिए ये लड़का जो है इनके, ये है लड़का और इनके साथ जो है फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको बता दूं कि मामला मैं आपको फिर से समझा दूं, जो नए लोग जुड़े होंगे, नए व्यूवर जुड़े होंगे। जी जी मैं बता दूं कि आधार कार्ड है मेरे पास, लड़का का आधार कार्ड भी है, ये नहीं है कि नहीं है, लड़का का आधार कार्ड भी है मेरे पास। देखिए लड़का है जो राहुल नाम का, वो यहाँ रहता है, कई काफी दिनों से जो है इनके साथ रह रहा था। और मैं बता दूं कि किस तरीके से जो है इसको धोखा देता हुआ नजर आया। लड़का का आधार कार्ड भी है मेरे पास, फोटो भी है लड़का का। मैं मूर्ख थी, मेरे को बोला यहाँ पे साइन कर दे, मैंने साइन कर दिया, गाड़ी भिजवा दिया मेरे को बस। लड़का मेरा आमने सामने हो गया एक बार, मैं यही सोचना चाह रही हूँ लड़का मेरे आमने सामने हो जाए बस। मेरे पे जो कर्ज है मैं कर्ज तोड़ूंगी, लड़का पर जो कर्ज है लड़का कर्ज तोड़ेंगे, लेकिन लड़का एक बार मेरे आमने सामने हो जाना चाहिए बस। देख रही फरीदाबाद का फोटो है, हम लोग साथ गए थे कहीं, वही की फोटो है। अच्छा ये आपके साथ ही रहता है? हाँ, मेरे साथ। ये है लड़का। आप दिखा दी, ये है लड़का। कैमरामैन से कहूंगी मैं फोकस करेंगे, ये है वो लड़का। एक बार फिर से मामला पूरा बता दूं, लड़का यहाँ रहता था और ये कहती है कि इनके साथ उसका संबंध था और शादी का झांसा देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। फिलहाल लड़का जुलाई से रहता था मेरे पास, लड़का जुलाई 15 तारीख से रह रहा है मेरे पास, जुलाई 15 तारीख से लड़का रह रहा है मेरे पास। और माँ बाप कह रहा है कि एक महीने से मेरा लड़का गायब है। माँ बाप को क्या पता, माँ बाप को पता नहीं था, जिस दिन लिख कर नहीं रख सकता था मेरा लड़का कैसे गया था। तो क्यों हम रखेंगे उसको अपने पास? क्या कह रहे, जब हमने उसको निकाल दिया यहाँ से तो क्यों आएगा वो यहाँ पे? क्या तुमने बुलाया? तुमने बुलाया तो कोई है हमारे? अभी भी तुमने सच बोल जाओ। नहीं सबूत मैं, हमने बुलाया ऐसा ही भावना फालतू में बुलाया कर रहे हो। हाँ जी, तुमने बुलाया है, अपना नहीं देख रही हो क्या? जी देखिए पुलिस आती हुई नजर आएगी अभी, आपको दिखाएंगे, पुलिस प्रशासन फिलहाल मौके पर आएगा और वो दिखाएंगे। घर में आपको दिखा दूं, ये घर है, लड़के की फोटो मैंने आपको दिखा दी है। देखिए किस तरीके से जो है ये कहना है कि वो लड़का जो है फरेब करता है, इनके साथ रहता था और फिलहाल अभी गायब है। बाकी सच्चाई की बात तो ये कानूनी परिवार से सबसे तोड़वा दिया, आदमी से डिवोर्स दिलवा दिया, सास ननद से छोड़वा दिया, ये लड़के ने सबसे बेदहक करवा दिया। आज मैं अकेले हूँ, 15 दिन से इसने लड़का छिपा रखा है। मैं आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, दौग दौग करके चाहे बेटा बिहार भेजे है कि कहाँ भेजे है भगवान राम जाने। बेटा इसका बिना कॉल के पास ड्यूटी करता था, मैं बॉस का फोन किए, जब तक लड़का मेरे पास था तब तक बिना कॉल दिया यहाँ से, तो कहाँ से आएगा वो यहाँ पे? नहीं है मेरे सामने कागज नहीं बना था, मेरे सामने नहीं बना था कागज, मेरे सामने हाथ में छोड़ो, बिल्कुल हाथ में छोड़ियो, बिल्कुल तुम मैं तेरे हाथ में छोड़ी हूँ। अभी भी मैं कदर कर रही हूँ, अभी भी अपनी भाई का आमने सामने बुलवा ले, अभी भी बुलवा ले आमने सामने। कागज क्यों आएगा हमारे पास? आमने सामने किसकी सामने बनाया, किसकी सामने बनाया? ये दखल के कागज तुम्हारे सामने आके बनाएंगे? अच्छा हाँ मेरे सामने बनाएगा, नोटिस गया मेरे सामने, कुछ भी नोटिस नहीं गया मेरे पास, कुछ भी नहीं। वकील से पूछना है? बुला, ठीक है बुला, मैं बुलवाता हूँ वकील से, मैं बताता हूँ नहीं गया। अरे चुप रहो, मैं बताता हूँ वकील से, नोटिस गया बिल्कुल, नोटिस गया था, इन्होंने साइन करने से मना कर दिया। फोन आ रहा है और देखिए 112 फिलहाल शायद मौके पर पहुंच गई है, इनके पास फोन आ रहा था। और आपको बता दें फिलहाल ये मामला जो है बहुत ही पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। पर्वतिया कॉलोनी में फिलहाल हम पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ ये महिला जो है फिलहाल न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। आज जहाँ पूरे आप देखे पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है, उसी के बाद आप देखिए एक सफाई कर्मचारी की हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे थे जो काफी दर्दनाक है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये वाकई में बहुत जो है दर्दनाक है। फिलहाल मौके पर जो है 112 आती हुई नजर आ रही है, देखिए पुलिसकर्मी तमाम फिलहाल आते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिएगा, देखते रहिए संचार न्यूज। लड़का आमने सामने नहीं करेगा, मैं बच्चे को तीनों बच्चे को जहर खिला दूंगी, मैं भी जहर खाकर चंद्रशेखर वर्मा को दरवाजे पे ही सोऊंगी जाके, मैं यहीं पे सोऊंगी जहर खाकर, मेरे को आमने सामने।